हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप एवरीबॉडी से हैव ए वंडरफुल डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रानी शर्मा किचन। आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कस्टर्ड पाउडर की रेसिपी, और ये कस्टर्ड ड्राई फ्रूट्स और कस्टर्ड मिल्क शेक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चले फ्रेंड्स, आज हम घर पर ही बनाएंगे कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल ही आसान तरीके से, बस ही कुछ ही मिनटों में। तो इसके लिए हमने एक कटोरी चीनी ले लेंगे, ये जार ले लिए हैं, जार में एक कटोरी चीनी ले लेंगे। इसे हम एकदम बारीक पीस लेंगे। हमने अब चीनी का पाउडर बना लिया है, हम इसमें आधा कप के लगभग कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ये वेनिला एसेंस डालेंगे, 7-8 ड्रॉप इसमें। लो फूड कलर डाल देंगे इसमें। आप इस तरह घर में बना कर रखिए, आपको बार बार बाजार से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हम सारे सामान को मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए, अब हमारी कस्टर्ड पाउडर बनकर तैयार है। अब हम इसे बादाम मिल्क शेक बनाएंगे, ये भी आपको बनाकर दिखाएंगे। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम देखिए, एक बर्तन में दूध ले लिए, इसे उबालने के लिए रख दिए हैं। ये 1/2 लीटर दूध है। अब हम इसे एक उबाल आने के लिए रखेंगे। अब हम एक कटोरा में दूध ले लिए। अब हम इसमें ये पाउडर मिला देंगे, 4 से 5 चम्मच पाउडर मिला लेंगे इसमें। देखिए, दूध भी उबल चुकी है। अब हम इसमें इसे डाल देंगे। इसे जब भी डालें, इसे मिलाते हुए डालें इस तरह से। देखिए चिड़िया कैसे पानी पी रही है। हमने यहाँ पानी और चावल डेली डाल देते हैं ताकि पंछी सब गर्मी में आके यहाँ पिए और खाना खाए। देखिए, हमने ये काजू पिस्ता बादाम ले लिए, इसे भी हम दूध में डाल देंगे हल्का दरदरा पीस कर। दूध अब गाढ़ा होने लगी है। देखिए, हमने येलो कलर के जगह पिंक कलर डाल दिया, तो ये पिंक कलर का बादाम मिल्क शेक बनने लगी है। अब ये गाढ़ा होने लगी है। देखिए, अब हम इसमें ये काजू पिस्ता बादाम डाल देंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, पूरा गाढ़ा हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए, हमारी ड्राई फ्रूट्स कस्टर्ड बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं एक ही वीडियो में कस्टर्ड पाउडर भी बनाना दिखाई हूँ, एक ही वीडियो में मैं ये कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्ड बनाया हूँ। अब हम बनाएंगे मिल्क शेक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बादाम वाली मिल्क शेक बना ली है और ये कस्टर्ड फ्रूट्स। आप इसी तरह घर पर बनाएं कस्टर्ड पाउडर, और जब मन तब बच्चे को ऐसे दूध में कस्टर्ड फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स के साथ बच्चे को दें, बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो जरूर देखें।